हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, यानी RCT यानी दांतों की नसों का इलाज होने के बाद भी दांतों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमने RCT करा लिया, एक साल तक पूरा ठीक था, उसके बाद दर्द होने लगा। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी भी RCT कराया था बट दर्द नहीं जा रहा है, इसके लिए हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं कि RCT कराने के बाद भी दांतों में दर्द होने का क्या कारण हो सकता है, उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दांतों में RCT की ज़रूरत कब पड़ती है। जब भी आपके दांतों में दर्द होता है या आपके दांतों में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, दांतों में सड़न लग गई है जो आपकी नसों तक पहुंच गया है, तो आपको आपके दांतों में RCT करवाने की सलाह दी जाती है। RCT करवाने के बाद में आपके दांत में कोई भी दर्द नहीं रहता और आप नॉर्मली तरीके से अपने दांत को यूज़ कर सकते हो, यानी जिस तरीके से आप पहले खाना खाते थे बाद में भी उसी तरीके से नॉर्मली खाना खा सकते हो और आपको कोई भी दर्द नहीं रहता है। बट वहीं पे काफ़ी लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि हमने भी RCT कराया बट हमारे दांतों में दर्द क्यों हो रहा है। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कई बार क्या रहता है कि जब भी आप अपने दांतों में की नसें साफ़ करवाते हैं वहाँ पर कुछ रेजिडुअल इन्फेक्शन रह जाता है, यानी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या थोड़े बहुत माइक्रोब्स वहाँ रह गए हैं RCT करने के बाद में। वो 24 से 48 आवर्स तक आपको दर्द थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बट धीरे धीरे आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको ठीक करता रहता है और आपके ये जो दर्द है ये 2 दिन के बाद में पूरी तरीके से चला जाता है। तो अगर आपने अभी भी RCT कराई है, इसके बाद में आपको अगर 1 या 2 दिन तक दर्द है, तो इसको लेकर बिल्कुल ना घबराएं, ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। वो कारण होता है जब भी हम आपके दांतों में नसें डालते हैं, जिसको हम लोग गट्टा पर्चा पॉइंट्स कहते हैं, GP पॉइंट्स कहते हैं। कई बार हमारी बॉडी, सब लोगों की बॉडी जैसे कि हमें पता है अलग अलग होती है, तो GP पॉइंट्स को भी आपकी बॉडी किस तरीके से लेती है, यानी कितनी जल्दी उसके साथ घुल मिल जाती है, यानी आपको प्रॉब्लम नहीं देती है। कभी भी जो GP पॉइंट्स यानी फॉरेन पार्टिकल है, यानी बाहर से कोई चीज़ें हम आपकी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार GP पॉइंट डालने के बाद में कुछ पेशेंट्स को 24 घंटे से लेकर 48 घंटों तक दर्द रह सकता है, बट ये जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और अपने आप ही जब GP पॉइंट्स आपकी बॉडी के साथ में सेटल हो जाएंगे तो ये आपके दर्द जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब भी आप अपने दांतों में RCT करवाते हैं उसके ऊपर जब भी कैप लगवाते हैं, अगर कैप के अंदर कुछ भी हाई पॉइंट्स है, कैप थोड़ी बहुत ऊँची है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहले कैप ही मिल रही है बाकी आपके सारे दांत नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। रूट कैनाल कराने के बाद में जब आप कैप लगाते हो, अगर उसमें हाई पॉइंट्स है, तो उसकी वजह से जो आपके दांतों की जो जड़ें होती हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो दांत है वो दर्द करता है, क्योंकि दांत जो जड़ होती है उसके नीचे भी पेरियापाइकल टिश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर दर्द महसूस होता है। इसलिए RCT कराने के बाद में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस डॉक्टर से आपने RCT कराया है, कैप लगवाया है, उसी डॉक्टर के पास जाके अपने कैप के हाई पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म करवा लेने हैं। अगर हाई पॉइंट ज़्यादा है तो दांत की कटिंग अच्छे से करवाएं और उसके बाद में अपनी नई कैप आप बनवा सकते हैं। तो चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। कई बार क्या रहता है कि दांतों में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, बहुत ज़्यादा सड़न लग गई और लंबे टाइम तक आपने अपने दांतों का इलाज नहीं करवाया है। दांतों का इलाज ना करवाने की वजह से जब उसके नीचे एब्सेस बन जाता है या सिस्ट बन जाती है, तो कई बार क्या रहता है, RCT अच्छी होने के बाद भी आपके दांतों में दर्द रह जाता है। इसका कारण ये होता है कि वहाँ पर जो इतने टाइम से एब्सेस बन गया है या सिस्ट बन गई है वो पूरी तरह वहाँ से क्लीन नहीं होती है और रीइन्फेक्शन कर देती है। इसके लिए आपको क्या इलाज करवाना है, इसके लिए आपको करवाना है जो आपने GP पॉइंट डलवाए हैं यानी जो नसें भरवाई हैं उसको वापस खाली करना है और एक बार आपके दांतों की सफाई फिर से करवानी है, ताकि जितना भी इन्फेक्शन अगर नीचे रह गया है तो वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए और आप उसमें वापस अपना जो GP पॉइंट डलवा सकते हैं, यानी आप अपने उसमें RCT करवा के वापस ऊपर कैप लगवा सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होती है कर्व्ड कैनाल्स। कई दांतों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत घूमी हुई होती हैं, तो कई बार जब भी डॉक्टर उसमें साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ तक आपकी फाइल्स नहीं जा पाती हैं, वहाँ तक क्लीन नहीं होता है, या फिर कई बार जीपी पॉइंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जिसकी वजह से जीपी पॉइंट्स जो है थोड़े शॉर्ट रह जाते हैं, क्योंकि दांतों की बनावट ही ऐसी है, दांतों की जड़ों की बनावट ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी तरीके से आरसीटी नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में भी आपके दांतों में कभी कभी दर्द हो सकता है। इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बट इसमें आपको रीआरसीटी करानी होती है और ढंग से उस जगह की जो है क्लीनिंग पूरी तरीके से कराएं और जीपी पॉइंट्स भरवाएं, इसके बाद में आपको कोई भी दर्द जो है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें ये रहता है, कई बार आपकी दांतों की नसें भी सही हैं, सब कुछ सही है, उसके बाद भी आपके दांतों में इन्फेक्शन वापस हो जाता है। इसका कारण ये रहता है, जब भी आपकी अच्छी से अच्छी आरसीटी हुई है उसके अंदर भी अगर आपका थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन रह गया है तो वो वापस री इन्फेक्शन कर देता है, इसकी वजह से आपके दांतों में फिर से दर्द होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करवाना है, उस दांत की वापस री आरसीटी करानी है, उस पर कैप लगवा सकते हैं, इससे आपका जो दांतों का दर्द है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिसके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरसीटी करवाने के बाद भी आपके दांतों में दर्द क्यों हो रहा है और आपको किस स्टेज पे कौन सा काम करवाना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके दांतों में भी दर्द है या आप अपने दांतों का कोई भी इलाज हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है, अगर आप यहाँ आके अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। थैंक यू।